एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है ऑन न्यू ईयर पार्टी मेकअप लुक। एंड इस मेकअप लुक के लिए मैं सारे के सारे पर्पल के प्रोडक्ट्स यूज करूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं एंड मैक्सिमम जो चीजें मेरे पास है वो सारी मेरे लिए न्यू है एंड कुछ न्यू लॉन्चेस भी है मेरे पास यहाँ पे, जैसे कि ये हाईलाइटर स्टिक, ये डुओ वाला एंड देन देयर इज दिस ऑयल। तो स्टार्टिंग ऑफ मैंने कुछ भी अपने फेस पे फिलहाल के लिए लगाया नहीं है। लिप बाम लगाया है मैंने एक और बाकी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। एंड फेस मैंने टोटली अपना क्लीन कर लिया है। तो आई स्टार्ट ऑफ विद दिस ऑयल एंड देयर इज गोइंग टू बी नो चीटिंग। मैं और कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ पर्पल के अलावा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ही ऑयल यूज करूंगी। मैंने जब से मुझे ये मिला है तब से, लाइक जब से ये रिसीव हुआ है मुझे तब से मैंने इसे काफी बार इस्तेमाल कर लिया एंड मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो ये बहुत 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 ज्यादा ब्यूटीफुल से पैकेजिंग में आता है एंड काफी ज्यादा ब्यूटीफुल पैकेजिंग है इसका। इसमें दूसरा वेरियंट भी मिलता है, आई थिंक वो सिल्वर वाला एक वेरियंट मिलता है। तो इसे मैं लगा लूंगी एंड काफी ब्यूटीफुल सा ड्रिपर पैकेजिंग एंड ऑल है इसका। सो मैंने दो तीन ड्रॉप्स लगा लिए एंड इसमें अभी काफी ज्यादा अच्छा एंड फ्रेग्रेंस भी इसका काफी ज्यादा अच्छा है। तो मैं अच्छी तरीके से मैं फेस को एक अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग बेस दे दूंगी एंड थोड़ा सा नेक पे भी लगाऊंगी। बंद गला है फिर भी थोड़ा सा लगा लूंगी मैं अपने नेक पे भी। सो उसके बाद डायरेक्टली मैं स्टार्ट करूंगी विथ फेस मेकअप। उसके लिए मैं फर्स्ट प्राइमर लगाऊंगी, पर्पल का प्राइमर। तो मेरे पास ये वाला प्राइमर है 24K गोल्ड प्राइमर, इसी को मैं लगाऊंगी। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है ये एंड काफी कम क्वांटिटी में ये लगता है। तो इसे मैं लगा लूंगी अपने फुल फेस पे एंड ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। आपके फेस को जो है वो काफी, लाइक ना जो मेकअप आप पहनते हो उसको काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना देता है एंड अगर आपके पोर्स है, विजिबल पोर्स है, तो ये इसको बिल्कुल भी लाइक मिनिमाइज कर देता है। काफी ज्यादा अच्छा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है ये। उसके बाद मैंने ये दो स्टिक्स मंगाए हैं, ये कंसीलर करेक्टर स्टिक्स है, इस तरीके के पैकेजिंग में आता है। तो इसका नाम है सीक्रेट कीपर फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टर स्टिक्स। तो मैंने यहाँ पे दो मंगवाए हैं। सो मैंने ना दो शेड्स में मंगवाया है, एक है शेड 3 और दूसरा है शेड 6। तो ये दो शेड्स में मैंने मंगवाया है, एक फाउंडेशन वाला शेड है और एक कॉन्टोर वाला शेड है। तो फर्स्ट मैं ये शेड ट्राई करूंगी। इस तरीके के पैकेजिंग में आता है, काफी अच्छा सा इसका पैकेजिंग दिया हुआ है। तो फर्स्ट मैं इसको, मैंने अब तक इनको स्वॉच भी नहीं किया है। तो इस तरीके का कलर है एंड ब्लेंडेबिलिटी की बात करें तो हाथ पे बहुत ही ज्यादा इजीली क्रीमी तरीके से ब्लेंड हो रहा है। लेट्स सी फेस पे लगा के कलर मैच करता है भी या नहीं। एंड इवन इफ कलर मैच ना करे तो मेरे पास कॉन्टोर वाला स्टिक है, थोड़ा सा मैं वो शेड मिक्स करके मैच हो जाएगा आराम से। सो इसे मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी। लेट्स सी ये कैसे ब्लेंड होता है। तो काफी ज्यादा इजीली ब्लेंड हो रहा है एंड लाइट टू मीडियम कवरेज प्रोवाइड कर रहा है मुझे। काफी ज्यादा क्रीमी है ये। ओके, सो इसने मुझे काफी ज्यादा लाइट कवरेज दिया है तो मैं इसे एक और बार लगा लूंगी एंड सेकेंड कोट में लगा रही हूं इसका। तो ये वाला जो बेस है ये काफी ज्यादा क्रीमी है तो इसको सेट करना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अंडर द आईज एंड स्माइल लाइंस पे क्रीज कर सकता है एंड मेरे पास कॉम्पैक्ट नहीं है तो इसीलिए मैं इसको डबल और एक थर्ड कोट नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो शायद थोड़ा सा केकी हो सकता है। तो उसके बाद डायरेक्टली हम थोड़ा सा कॉन्टोर कर लेंगे। कॉन्टोरिंग के लिए मेरे पास ये शेड है 6, तो ये मैं लगा लूंगी एंड ये वाला जो स्टिक है ये भी बहुत ही ज्यादा क्रीमी है। सेम स्पंज से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा इजीली ये ब्लेंड हो गया।
ओके सो नेक्स्ट हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विथ आई मेकअप एंड उसके लिए मेरे पास फर्स्ट ये काजल है एंड ये वाले काजल का नाम है स्मोकी आई पेंसिल स्मोकी डोकी एंड ये एक इस तरीके से आता है लाइक इसको आपको शार्पन करना पड़ेगा एंड इसके साथ साथ आपको ये मिलता है एक स्मज साइड मिलता है जो कि मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं जो आई लुक है उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा काजल लगा लूंगी एंड फिलहाल मैंने इस काजल को चेक, ओ गॉड इट्स वेरी क्रीमी एंड बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड काजल है एंड मुझे काफी ज्यादा लाइक क्रीमी काजल्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ज्यादा घिसना नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे लगा लूंगी आउटर वी पे थोड़ा सा एंड इसे सेम स्मजर से स्मज कर लूंगी। तो मैं इसे स्मजर से थोड़ा सा स्मज कर लेती हूँ टू जस्ट क्रिएट अ डेप्थ। मैंने एक ब्रश लिया है एंड बस मैं इसको थोड़ा सा स्मज कर लूंगी। सो दूसरे साइड पे भी मैं यही चीज करूंगी एंड काफी ज्यादा लाइक काफी ज्यादा ब्लैक और ब्लैक इफेक्ट नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ब्लैक इफेक्ट चाहिए एंड दिस इज जस्ट गोइंग टू बी अ वेरी क्विक मेकअप ट्यूटोरियल। एंड ये मैं जनरली ब्लैक आई शेडो नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे इतना ज्यादा लाइक मेकअप करना आता है नहीं जितना बाकी लाइक यू नो ब्यूटी ब्लॉगर्स को आता है। तो मैं अपनी तरफ से जितना कर सकती हूँ मैं उतना कर लेती हूँ। तो आप मान लो कि ये बिगनर काइंड ऑफ ट्यूटोरियल या फिर जिनको ज्यादा मेकअप नहीं आता है ना वो आराम से कर सकते हैं, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है फील। तो इसी तरीके से मैं इसे थोड़ा सा स्मज आउट कर लूंगी एंड बाकी का मैं ब्रश से कर लूंगी। सो नेक्स्ट आई मेकअप के लिए मैं ये वाला हाइलाइटर ले रही हूँ। इसमें आपको दो शेड्स मिलते हैं एंड एक वाला जो शेड है वो इस तरीके का लगता है एंड दूसरा वाला शेड मैं आपको दिखा देती हूँ। सो एक थोड़ा सा पिंकिश शेड है एंड दूसरा वाला जो है वो थोड़ा सा लाइक बहुत ही ज्यादा गोल्डन वाला शेड है, गोल्डन एंड कॉपर शेड है। तो आईज पे जो है मैं वो गोल्डन वाला शेड यूज करूंगी। तो मैं डायरेक्टली इसी से लूंगी एंड हाथ से ही मैं अप्लाई करूंगी। बाद में आईलाइनर लगाऊंगी। आईलाइनर के लिए मेरे पास ये है आईलाइनर एंड दिस इज द आई स्पाय हाईटेक लिक्विड आईलाइनर एंड इसे भी मैं फर्स्ट टाइम के लिए यूज कर रही हूँ एंड इसका जो आप शेप देख सकते हो काफी ज्यादा यूनिक सा शेप है। इस तरीके का आईलाइनर मैंने कभी देखा नहीं है। सो दिस कम्स विद अ फेल्ट टिप। तो मैं आपको दिखा दूं ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, इसे मैंने स्वॉच किया हुआ है, देख सकते हो इट्स रियली पिगमेंटेड। तो इससे मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ करूंगी। सो नेक्स्ट मैं लगाऊंगी ये काजल एंड मैं एक स्मोकी काजल लाइक स्मोकी आई इफेक्ट करूंगी। तो इसको मैं लगा लूंगी मेरे वॉटर लाइन पे। सिंस ये बहुत क्रीमी है ये बहुत ही ज्यादा इजीली लग जाता है एंड उसके बाद मैं ये वाला पार्ट लूंगी और इसे थोड़ा सा स्मज कर लूंगी। सो उसके बाद मैं लगाऊंगी मस्कारा, उसके लिए मैं लैशेस कर्ल करूंगी एंड उसके बाद मैं ये पर्पल का मस्कारा यूज करूंगी। सो आई कर्ल माई लैशेस यूजिंग दिस कर्लर। सो इसका जो वॉन्ड है ये काफी ज्यादा प्लेन है एंड इसे भी मैं फर्स्ट टाइम के लिए लगा रही हूँ। ओके सो मैंने इसका सिर्फ वन कोट लगाया है एंड काफी ज्यादा मुझे मेरे लैशेस काफी ज्यादा वॉल्यूमिनस लग रहा है तो काफी ज्यादा अच्छा है। उसके बाद फिर मैं ब्लश लगाऊंगी, ब्लश के लिए मेरे पास कुछ है नहीं तो फिर मैं ये वाला ब्लश लगाऊंगी, ये सॉरी ये वाला लिपस्टिक लगाऊंगी। ये क्रेयॉन है पर्पल का इन द शेड फ्रॉम मी टू माई गैंग एंड दिस हैज बिकम माई फेवरेट लिप कलर। तो इसे ही मैं एज अ ब्लश लगा लूंगी। तो मैं हाथ के साइड में थोड़ा सा ले लेती हूँ एंड इसे ब्लेंड करना काफी जल्दी ब्लेंड करना होता है वरना ये काफी जल्दी ड्राई हो जाता है।
बार मैं हाईलाइटर लगाऊंगी एंड अगेन मेरे पास यही वाला हाईलाइटर है सो इससे मैं जो गोल्डन वाला शेड है उसको मैं लगाऊंगी एंड ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज एंड काफी ज्यादा लाइक ग्लोई काइंड ऑफ हाईलाइटर है ये आप देख सकते हो बहुत ज्यादा आई थिंक आई मिक्स द टू हाईलाइटर्स क्योंकि एक वाला जो पिंक है मुझे वो भी ज्यादा अच्छा लग वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ओके सो मैम एंड सिंस ये क्रीमी वाला हाईलाइटर है इसे ब्लेंड करना है एंड मैं इसे ब्लेंड करूंगी विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर एंड इसका जो शेड है मुझे दोनों शेड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे बहुत ज्यादा सो काफी ज्यादा एक हाईलाइटिंग इफेक्ट देता है ये एंड काफी ज्यादा लाइक यू कैन जस्ट सी सो इसे मैं सो लास्ट है लिपस्टिक एंड लिपस्टिक के लिए मैं यही वाला शेड लगा रही हूँ दिस इज फ्रॉम मी टू माई गैंग एंड काफी ज्यादा ब्यूटिफुल सा शेड है सारे के सारे स्किन टोन पे बहुत सुंदर लगेगा दिस इज द फाइनल लुक प्लीज डू लेट मी नो कि आपको ये वाला जो मेकअप लुक है ये कैसे लगा इन सबका कुछ भी आपको लिंक अगर चाहिए होगा सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग